अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने पुदीना क्रश कर दिया, वो मैंने पहले डाल दिया था ना, तो पुदीने के पत्ते टहनी से अलहदा करके फिर इसको ऐसे क्रश कर लें, ऐसे क्रश कर लें सारा। क्रश करने के बाद आप इसको इसमें डालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ की मदद से। आप स्पैचुले से भी कर सकते हैं, ज़रा बेहतर होता है कि हाथ से करें। ये ऐसा हो गया, ये पुदीने के कोफ्ते बने। पता नहीं आप लोगों ने पहले खाए हैं कि नहीं खाए हैं, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये मेरी सास बनाती थी, बहुत अच्छी, अल्लाह उनको सेहत दे, उनके लिए भी दुआ करें। इसमें आप इतना बेसन डालें कि ये बन जाए कोफ्ते, वो तो बंदा अपने अंदाजे से ही डाल देता है चीज़ को देख के। ये इसको ऐसे करके, बहुत ज़्यादा पुदीना भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वो बेसन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे कर दिए। अच्छा अब इसमें आप डाल दें एक चम्मच आप इसके हस्बे जायका नमक, और एक चम्मच आप इसमें मिर्च अपने हिसाब से डालें, और इसमें थोड़ा सूखा धनिया। साथ साथ चीजों को आप स्मेल भी दें। अच्छा इसमें अब आप डालें, इसमें आप डालें ये है, ये क्या, गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। इसमें आप वो डालते हैं, ये क्या है, कलौंजी। कलौंजी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये हर बीमारी के लिए बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ में डालनी चाहिए, ठीक है। अच्छा और इसमें आप ज़ीरा भी डाल दें खुशबू के लिए, वो भी अच्छा होता है। स्पेयर डाल दें, ब्राउन डाल दें, जो भी डाल दें, थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा निकल आओ भाई जी, एक बस अपने हिसाब से। वैसे आप फ्रेश डालना तो ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे पास सिस्टम नहीं था तो मैंने ये डाल। अब पानी की मदद से और इसके नीचे आप ये चलाएं। कितना पानी? पानी आप इतना ले लें कि वो जितना खोले उबले, और उसकी स्टीम की मदद से ये बनेगा। उस पानी इतना डाल के उसके ऊपर ये रख दें, ये डाल के आप इसको आप मिक्स करें। ये देखें, ये मिक्स हो गया। ये बहुत मज़े के लगते हैं, लाइट से बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके गर्मियों में सही मज़े के लगते हैं। ये बस अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है, इसका क्या नाम, पुदीना ज़्यादा है, तो बेसन थोड़ा सा और डाल दें। सही है। अच्छा इधर आ जाए, ये आप इसके ऊपर आप ऐसे करें कि ये बस इतना इतना आप इसको करके ऐसे ऐसे रखते जाए इसके ऊपर। ये हो गया, इस तरह के सारे बना के कोफ्ते
आप उसकी और आप जब पानी उबलेगा और इसके ऊपर एक ढकना रख दें तो वो स्टीम की मदद से ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर बाकी के बाद आपको बात करेंगे। ये देख लें, ये अब इस वो अंदर इसके वो पानी डाल दिया वो भी हो जाएगा और उसके ऊपर ये करके इसके ऊपर ढकना है और इसको तकरीबन इतना छोड़ दें कि ये स्टीम हो जाए। ये हो गया स्टीम, ये देखें ये ऐसे हो गया, ये देखें ये बिल्कुल अलग अलग कोफ्ते बन गए। ये इनको सबको आप थोड़ा सा हो जाए तो फिर इनको कर लें। ये थोड़ा सोडा डालने से नरम बन जाते हैं। मैंने लिए हैं 3 टमाटर दरमियाने साइज के और एक दरमियाने से थोड़ा बड़ा प्याज, इसको ग्राइंड कर लें। टेस्ट के मुताबिक पानी डाल दें और इसमें आप ये ऑयल थोड़ा ज्यादा होता है चीजें अच्छी बनती है। क्योंकि उसमें भी आपने नमक मिर्ची डाली है इसमें आप थोड़ी थोड़ी डालें, इतनी भी थोड़ी ना और इतनी भी ज्यादा ना। ये नमक मिर्च और सूखा धनिया और हल्दी, हल्दी हमने उसमें नहीं डाली क्योंकि वो ग्रीन ग्रीन ही अच्छे लगते हैं, इसमें डाल। मसाले को अच्छा बना के जब टमाटर से पानी सूख जाए, ऑयल थोड़ा थोड़ा निकल आए तो फिर आप इसमें वो डाल दें। अभी इसमें पानी है और ऑयल अभी नहीं निकला। ये देखें ऑयल ऊपर आ रहा है। ऑयल आपको इसका नजर आ रहा है, ऑयल आ रहा है। तो अब इसमें आप एक एक करके ऐड कर, ये
बेकिंग सोडा डालने से इतने अच्छे नरम ऐसे बन जाते हैं। हल्का सा चम्मच लाएं, बहुत ज़्यादा नहीं कि टूट ना जाए। ये आप इसको करके, इसको आप इसके साथ अंडे उबाल के वो भी इसमें डाल सकते हैं, अच्छे लगते हैं। बस ये तैयार है और ये बहुत मज़े के लगते हैं, लाइट से अच्छे से लगते हैं। ये इस पेस्ट में भी आप बना सकते हैं और खड़े मसाले में भी बना सकते हैं, जैसे प्याज टमाटर शिमला मिर्च का मसाला बनाएं खड़ा और उसमें इनको रख के दम दे दें, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें आप अंडे उबाल के एक दो अंडे रख दें, बस ये बिल्कुल तैयार है। इसको आप बस 5 मिनट के लिए दम पे रखें।